हेलो बेटा, आप लोग ने पेपर दे दिए। अब हम आज क्या करते हैं, रिव्यू कर लेते हैं अकाउंट्स के फर्स्ट पेपर को, क्योंकि आप लोगों को पेपर देने के बाद ये जानने की जरूर इच्छा होगी कि हमने जो पेपर अटेम्प्ट किया है उसमें आपका क्या कैसा रहा है और बाकी लोगों का क्या रहा और क्या सबकी ओपिनियन है और क्या टीचर की ओपिनियन है। तो बेटा, फर्स्ट पेपर अकाउंट्स का, उसके बारे में सबसे पहले मैं अपनी बात कहना चाहूंगा कि ये पेपर इजी तो नहीं था और बहुत टफ भी नहीं था। पेपर एवरेज लेवल का था। दूसरी बात ये कहूंगा कि इंस्टीट्यूट ने अपना पैटर्न चेंज किया है। पिछले पेपर देखे जाए तो पूरे के पूरे पेपर मॉड्यूल से क्वेश्चन ऐसे कैसे आ गए और बच्चों को 100 मार्क तक पहुंच गए बच्चों के मार्क्स। कई लोग तो अच्छी अच्छी की रैंक ले आए। बेटा, पूरा का पूरा पेपर मॉड्यूल से कई बार आया है अभी तक, लेकिन इस बार पहली बार ऐसा लगा है कि इंस्टीट्यूट ने, या ये कह ये नहीं कह सकती इंस्टीट्यूट ने, बल्कि जो पेपर सेटर है जिसने पेपर फ्रेम किया, उन्होंने अब की बार क्या किया, कोई भी कुछ क्वेश्चन तो डायरेक्ट दिए हैं, स्टडी मॉड्यूल से हैं, नोट्स हैं अपने, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो उन्होंने दो दो तीन तीन क्वेश्चन को मर्ज करके बना दिए। तो बेटा, हम एक एक करके बात करेंगे। हाँ, बात ये कि लेंदी था, लेंदी था। अरे भाई, लेंदी नहीं था पेपर, लेंदी तो हमेशा था, हमेशा रहेगा। कभी भी पेपर आपके हिसाब से नहीं आएगा। इंस्टीट्यूट आपके हिसाब से 3 घंटे में पेपर आप सॉल्व कर ले ऐसा नहीं बनाएगा, बल्कि वो चाहेगा कि 3.25 घंटे 3.5 घंटे का पेपर दिया जाए जो आपको 3 घंटे में करना हो। तभी तो आप एक एवरेज स्टूडेंट और बिलो एवरेज और एक अबो एवरेज को वो डिस्टिंग्विश कर पाएंगे। जिसकी बढ़िया प्रैक्टिस है, जिसने अच्छी प्रैक्टिस कर रखी है, वो कर लेगा 3 घंटे में। वो किया है लोगों ने, मतलब ये हुआ कि यदि आपकी प्रैक्टिस, और देखिए सबसे बड़ी दिक्कत उन बच्चों को आई जिन्होंने क्वेश्चन सॉल्व किए लेकिन प्रैक्टिस ज़्यादा नहीं की। एक ही बार क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, ऑडिट कर लिया, देख लिया, हाँ हो गया, लेकिन वहाँ नहीं हुआ। घर पे हो गया लेकिन वहाँ नहीं हुआ, रीज़न है कि आपकी प्रैक्टिस नहीं थी। तो बेटा, इस बात पर ध्यान दो हमेशा हमेशा फ्यूचर के एग्जाम के लिए भी, कि जब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी आपको पेपर हमेशा लेंदी भी लगेगा और टफ भी लगेगा। किए हुए क्वेश्चन वहां करते नहीं बनेगी और किए हुए क्वेश्चन आप टाइम पे नहीं कर पाएंगे। इसलिए जरूरी है प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। तो चलिए बेटा, हम बात करें एक एक क्वेश्चन के बारे में, फटाफट डिस्कशन करें। देखिए, आपका जो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन था इंश्योरेंस क्लेम का, इस क्वेश्चन में उन्होंने वाकई दो दो तीन तीन क्वेश्चन को मिलाकर एक क्वेश्चन बना दिया। इंश्योरेंस क्लेम में 3 वैरायटी के क्लेम होते, क्वेश्चन होते हैं लॉस ऑफ स्टॉक में। एक तो एक होता है जिसमें सिंपल क्वेश्चन होता है फिजिकल गुड्स वाला की डिलीवरी नहीं आई, ऑर्डर मतलब सेल परचेज में इंक्लूड है पर डिलीवरी नहीं आई, या सेल कर दिया पर डिलीवरी नहीं दी, या हमने अभी परचेस किया नहीं पर डिलीवरी आ गई, या गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल। ये फिजिकल मूवमेंट को लेकर जो पॉइंट था उसको भी इन्होंने इस क्वेश्चन में कवर किया, और साथ में चेंज इन जीपी रेट, जीपी रेट जब बदल जाती है उसके अलग ही क्वेश्चन दिए होते थे, वो उन्होंने इसमें मर्ज कर दिए। तो इस क्वेश्चन में उन्होंने फिजिकल मूवमेंट वाले पॉइंट भी दे दिए और चेंज इन जीपी रेट वाला पॉइंट भी इसी में डाल दिया, और स्टॉक वैल्यूएशन 20% लेस पर है, स्टॉक इनकरेक्ट है, वो करेक्ट करने वाला पॉइंट भी इसी में डाल दिया। मतलब उन्होंने एक ही क्वेश्चन में सारे पॉइंट भर दिए। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा बनाया हुआ है, मतलब रेडीमेड क्वेश्चन लेने की बजाय क्वेश्चन को इन्होंने फ्रेम किया, लगता है कि दो तीन क्वेश्चन को मिलाकर मर्ज कर दिया। हाँ, इसमें एक पॉइंट है गुड्स ऑन अप्रूवल। बेटा, गुड्स ऑन अप्रूवल का जो पॉइंट है, क्योंकि गुड्स हम अप्रूवल पर दें या मतलब एक्चुअल सेल करें, फिजिकली तो दोनों जा चुके हैं, एक्चुअल सेल भी फिजिकली बाहर जा चुका है और गुड्स सोल्ड और अप्रूवल में भी गुड्स बाहर तो जा चुका है। तो बेटा, दोनों केस में हमें गुड्स को आउट करना है, क्योंकि वो जलने से बच गया होगा। एक्चुअल सेल हो गई हो तो भी, और गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल है तो भी, वो हमारी यहाँ फैक्ट्री में नहीं था एट द टाइम ऑफ फायर, तो हमें उसको सेल में जुड़ा रहने देना चाहिए ताकि वो हमारे स्टॉक से आउट हो जाए, स्टॉक में इंक्लूड ना हो पाए। और वो यदि स्टॉक में इंक्लूड है तो कुछ मत करो, चाहे उस पर अप्रूवल मिली हो या ना मिली हो, उसको सेल में जुड़ा रहने दो ताकि अपने आप स्टॉक कम होके आए। इसका ऑल्टरनेट ट्रीटमेंट भी है, पर ये करना सबसे बेहतर है कि सेल में रहने दो, ताकि क्योंकि फिजिकली वो जा चुका है, भले 50% की हमको अप्रूवल मिली है, 50% की नहीं मिली है, पर जिसकी अप्रूवल नहीं मिली वो भी स्टॉक में नहीं है, जिसकी मिल गई वो भी स्टॉक में नहीं है, तो फिजिकल तो दोनों ही नहीं है। ठीक है बेटा, उसके बाद अब ये क्वेश्चन बेटा इन्वेस्टमेंट का, इसमें भी उन्होंने क्या किया, ये क्वेश्चन में बेटा इन्वेस्टमेंट 2 वैरायटी ऑफ क्वेश्चन होते हैं, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स और इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर या गवर्नमेंट बॉन्ड। एक शेयर्स जिसमें डिविडेंड वाला पॉइंट होता है, एक अदर क्वेश्चन जिस पर इंटरेस्ट अक्रूड इंटरेस्ट वाला पॉइंट होता है। इन्होंने वो दोनों क्वेश्चन को भी मर्ज कर दिया, इसमें शेयर्स वाले पॉइंट भी आ गए और इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट लोन वाला पॉइंट भी आ गया। हाँ, ये जरूर है कि ऐसे क्वेश्चन ऑलरेडी थे, ये मॉड्यूल में भी है, अपने नोट्स में भी था, क्वेश्चन थर्ड, इसमें दोनों क्वेश्चन का मर्ज है। बस पूरा क्वेश्चन सेम टू सेम है, बस यहाँ पर बोनस इशू की जगह अपने नोट्स में राइट इशू था या बोनस इशू है,
बोनस इशू और आसान है, बस इस क्वेश्चन सिमिलर क्वेश्चन है, सेम टू सेम है, लेकिन बस चेंज बोनस इशू की जगह राइट इशू है, बस राइट इशू की जगह बोनस इशू है। तो ये क्वेश्चन भी उन्होंने दो क्वेश्चन को मर्ज कर दिया, एक तरह से इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर, इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर या गवर्नमेंट बॉन्ड। बेटा अगला क्वेश्चन है ब्रांच का, ब्रांच का क्वेश्चन है बेटा अगला, देखिए अगला क्वेश्चन जो ब्रांच का है बेटा, उस ब्रांच के क्वेश्चन में मैं क्या बताऊंगी, तो इतना इजी क्वेश्चन है कि इसको मैं क्या डिस्कस करूं बेटा, ये क्वेश्चन तो डिस्कस करने लायक भी नहीं है ब्रांच का। हाँ मतलब इसमें बस एक पॉइंट था बेटा, इसमें क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ नहीं ब्रांच का, तो आपको स्टॉक निकालना पड़ेगा, स्टॉक निकालने के लिए अजम्पशन लेना पड़ेगा कि आपका जो सेल है वो इनवॉइस प्राइस पर है, ये जो सेल है ना बेटा, आपको सेल इनवॉइस प्राइस पे माननी पड़ेगी, तभी आप स्टॉक निकाल पाओगे। और ये पॉइंट अपने नोट्स में भी कवर हुआ है, इवन कई दो तीन क्वेश्चन में कवर हुआ है, जिसमें आपको ये अज्यूम करना पड़ा है कि ये स्टॉक इनवॉइस प्राइस पर है, सेल इनवॉइस प्राइस पर है, तभी स्टॉक निकाल पाएंगे। तो बेटा इसमें और बाकी तो ये एग्जाम्पल जैसा क्वेश्चन था, ठीक है बेटा। उसके बाद ये डिपार्टमेंट का क्वेश्चन, तो बेटा एग्जाम के पहले भी मैंने कहा था, पेपर में आया उसके एक दिन पहले ही मेरा क्लास में डिपार्टमेंट चैप्टर यही चल रहा था, मैंने कहा था पता नहीं ये क्वेश्चन में ऐसा क्या है कि ये जो क्वेश्चन बनाने वाले हैं पेपर जो फ्रेम करते हैं उनकी चॉइस बना हुआ है, कितनी बार आ चुका है पता नहीं बेटा, 3-4 बार आ चुका है, और ये मॉड्यूल में भी दिया हुआ है, नोट्स में भी था, और वो क्वेश्चन फिर से आ गया एज इट इज विथ चेंज इन फिगर। देखिए बेटा अपने नोट्स में ये है फिफ्थ, और ये एज इट इज है, यहाँ डिपार्टमेंट एक्स वाई है, यहाँ डिपार्टमेंट हाँ भी एक्स वाई है, नाम तो डिपार्टमेंट के सेम है, अमाउंट बदला है बस। अगला क्वेश्चन बेटा, ये क्वेश्चन बड़ा शानदार था, यहां पर क्वेश्चन बनाने वाले ने, पेपर सेटर ने अपना पूरा टैलेंट दिखा दिया, इसने एक ही क्वेश्चन में रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर और दूसरे बोनस इशू, तीनों पॉइंट को मिलाकर एक, तीन अलग अलग चैप्टर होते हैं ना, तीनों को मर्ज करके एक क्वेश्चन बना दिया 20 नंबर का। तो बेटा ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन वही कर सकता है जिसको बगैर देखे क्वेश्चन करने की आदत है। अपनी प्रैक्टिस हमेशा क्या रही क्लास में, कि क्लास में नोट मत करो, सिर्फ समझो और घर जाके वही क्वेश्चन करो, तो आपको बगैर देखे क्वेश्चन करने की हैबिट डेवलप होना जरूरी थी। ये क्वेश्चन वही कर सकता था, सिर्फ एंट्री मांगनी थी, आप तीन क्वेश्चन को मर्ज करके आप रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस की एंट्री भी पास कर दो, डिबेंचर की भी पास कर दो। और बेटा यदि क्वेश्चन को देखें तो हम यदि देखें अपने नोट से, तो नोट्स में बेटा ये जो क्वेश्चन था आप देखो, इसके अंदर भी था कि आपको यहाँ पर पहले जैसे अपना एक क्वेश्चन था बेटा नोट्स का फर्स्ट, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का, इसमें आपको कैश का 12,000 मिनिमम बैलेंस बनाए रखना था। और देखो इस पॉइंट में भी देखो, यहाँ पर भी कैश का क्या बोला है कि आपको कैश में 2 लाख रुपीज का, पॉइंट नंबर देखो 2 लाख रुपीज का मिनिमम बैलेंस बनाए रखना था। और बेटा यहाँ पर पॉइंट नंबर फिफ्थ में क्या लिखा है, इशू सफिशियंट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। तो देखो बेटा इस क्वेश्चन में भी तो वही था, टू इशू टू फाइनेंस पार्ट, ये टू इशू मिनिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ ₹50 ईच। बेटा ये दो पॉइंट है वो एज इट इज रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर के उस क्वेश्चन में एज इट इज उठ के मर्ज हो गए। और बेटा यहाँ पर ये जो क्वेश्चन था ये वाला, जिसमें कंपनी ने बोनस शेयर इशू किया और कंपनी ने कैश की रिक्वायरमेंट के लिए अपने इन्वेस्टमेंट बेच दिए और प्रेफरेंस शेयर 10% पर रिडीम करना है, ये वाला पॉइंट भी उसमें मर्ज कर दिया। आप देखो भली, तो ये देखो आप इसके अंदर कि प्रेफरेंस शेयर 10% पर रिडीम करना है, और रिडीम करने के लिए उन्होंने इन्वेस्टमेंट बेच दिए, ये पॉइंट नंबर इधर लिखा है कि इन्वेस्टमेंट 1680 के बेच दिए, है ना। बस इसमें क्या करा, नया पॉइंट डिबेंचर का रिडम्पशन भी मर्ज कर दिया, कुछ डिबेंचर का पेमेंट कैश में हो रहा है और कुछ को रिडम्पशन हो रहा है बाय कन्वर्जन। तो इन्होंने इशू ऑफ डिबेंचर रिडम्पशन, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर और इशू ऑफ बोनस शेयर, तीन चैप्टर को मर्ज करके 20 मार्क का एक क्वेश्चन बना दिया। तो बेटा ये वही कर सकता है जिसको तीनों चैप्टर अच्छे से आते थे, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था 20 मार्क का, ये वही कर सकता है जिसकी प्रैक्टिस शानदार रही हो। उसके बाद बेटा ये क्वेश्चन था प्री पोस्ट का, इसमें बेटा क्या किया उन्होंने, एक अच्छा पॉइंट डाल दिया, डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी, ये नया पॉइंट था। अब मैंने मतलब नोट्स में कहीं देखा हुआ है डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी, अब देखना पड़ेगा, लेकिन बेटा यदि इसके बारे में बात की जाए तो ये कहाँ आएगा, प्री में या पोस्ट में या किसी रेशो में, तो बेटा ये मेरे हिसाब से पोस्ट में आना चाहिए, क्योंकि डोनेशन देने का डिसीजन वो भी पॉलिटिकल पार्टी को, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन देना बिजनेस का कोई रेगुलर रूटीन अफेयर नहीं, जिसको कंपनी बनने के पहले भी डिसाइड कर लिया जाए, कंपनी बनने के पहले प्रमोटर होता है, कंपनी बनने के बाद होते हैं डायरेक्टर, उसके बाद कंपनी लीगल शेप में आती है, तो उसके कंपनी बनने के पहले एक प्रमोटर ये डिसीजन कैसे ले सकता है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन दे दे। तो उस केस में डेफिनेटली ये डिसीजन कब लिया गया होगा, कंपनी बनने के बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वगैरह की मीटिंग में, तो ये पूरा का पूरा पोस्ट में जाना चाहिए, डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी। बाकी पॉइंट तो
बहुत ही कॉमन थे, बाकी पॉइंट तो कुछ भी टफ नहीं थे, सब कुछ क्लियर कट है। उसके बाद बेटा ये क्वेश्चन था, ये मैंने बस एक क्वेश्चन ओनली यार नोट्स का जो उससे मिलता होता था, काफी पॉइंट उससे मिलते होते, रेंट वाला और सारे पॉइंट उससे मिलते होते थे। फिर बेटा ये पॉइंट है आपका हायर परचेस, ये तो बेटा बहुत सिंपल क्वेश्चन था। आप देखो अपने नोट्स का सेकंड क्वेश्चन है, क्लास वर्क का सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल डिक्टो सेम टू सेम है, बस अमाउंट बदला है, बाकी बिल्कुल सेम है, अमाउंट के अलावा कहीं कोई चेंज नहीं, बस सिंपल क्लास वर्क का सेकंड क्वेश्चन ही बेटा है। तो इसमें सिंपल क्या करना था आपको, हायर परचेस प्राइस दी हुई है, इंस्टॉलमेंट दी हुई है, कैश प्राइस निकालनी थी रिवर्स जाकर के या इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड से, तो आप इसमें एफएम का फॉर्मूला लगाकर भी कैश प्राइस निकाल सकते थे। और वो चार साल के अकाउंट रिवर्स जाकर हमने सीखा था, फोर्थ ईयर से थर्ड ईयर, थर्ड ईयर से सेकंड ईयर, सेकंड ईयर से फर्स्ट ईयर, वो रिवर्स जाकर भी आप कैश प्राइस निकाल सकते थे क्वेश्चन नंबर सेकंड का। और देखिए नवंबर सेकंड क्वेश्चन नंबर नवंबर 88 मई 2000 और स्टडी मटेरियल में भी दिया हुआ है, कई बार पूछा जा चुका है भाई, फिर से पूछ लिया और बहुत ईजी क्वेश्चन था। अब बेटा ये क्वेश्चन जो है ये कंपनी फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन है, जब कंपनी में प्रॉफिट इनसफिशियंट हो तो कंपनी अपने डायरेक्टर को कितना मैक्सिमम रिमुनरेशन दे सकती है, डिपेंड ऑन इफेक्टिव कैपिटल ऑफ कंपनी। इसमें आपको निकालनी थी इफेक्टिव कैपिटल, ये बेटा यदि आपने पढ़ा हुआ है उसको अच्छे से तो ये क्वेश्चन में कोई दम नहीं था, नहीं पढ़ा है तो फिर तो बहुत टफ था, पर यदि पढ़ा हुआ है तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन था, कैलकुलेशन ऑफ इफेक्टिव कैपिटल। उसके बाद बेटा और इसमें कुछ आप देखें ना अपने नोट्स का क्वेश्चन पर सेवन से टेली कर लें, नंबर सेवन से टेली करेंगे आपको पूरा पूरा टेली मिल जाएगा क्वेश्चन पर सेवन से। उसके बाद बेटा आपका जो क्वेश्चन था डिवेंचर का रिडम्पशन, डिवेंचर का रिडम्पशन बेटा ये बहुत इजी क्वेश्चन था, कन्वर्जन ऑफ डिवेंचर इनटू डिवेंचर को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट किया जा रहा है, तो बेटा ये फिर से इधर आ गया रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, बहुत इजी क्वेश्चन था। इधर बेटा वो आप देखें, यदि आप अपने नोट्स का क्वेश्चन बनाई देखें तो उससे बिल्कुल मिलता जुलता दिखाई देगा आपको। उसके बाद बेटा आपका ये क्वेश्चन है सिंगल एंट्री में, तो इन्होंने गजब किया बेटा, सिंगल एंट्री में हमेशा वो 16 मार्क का क्वेश्चन पूछते हैं, इस बार पूछा लेकिन बहुत कम मार्क के, और वो भी पूरा क्वेश्चन ना पूछते हुए सिंपल सी कैलकुलेशन पूछ ली, जो हम सिंगल एंट्री पढ़ने के पहले, क्वेश्चन करने के पहले बेसिक वर्किंग सीखते हैं, बेसिक एग्जाम्पल देखते हैं, वही उन्होंने क्वेश्चन बना के रख दिया, कोई दम नहीं था इस क्वेश्चन में, ये तो लड्डू क्वेश्चन था। इस एंगल से बेटा अब ये हम बात करें तो हमने पूरा एनालाइज करें तो आपका काफी कुछ पेपर अपने नोट से था, लेकिन बेटा कुछ भी हो नोट से हो या मॉड्यूल से हो, अच्छा तो तभी जाएगा जब आपने उसकी प्रैक्टिस अच्छी की हो। तो इन पेपर से बस हमको यही एक हमें लास्ट में जो लर्निंग है इस पेपर को देखने के बाद या किसी भी पेपर को देखने के बाद जो होती है इसमें, कि बेटा बगैर प्रैक्टिस के आप ऐसा पेपर अच्छे से सॉल्व नहीं कर सकते। ये पेपर अच्छा गया होगा तो तभी जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी रही होगी, और बिगड़ा होगा तो आप खुद जाकर चेक करो पेपर बिगड़ा है तो उसके पीछे रीजन क्या है, क्या आपने प्रैक्टिस की थी नहीं, क्या आपने क्लास में रेगुलर टेस्ट दिए थे नहीं, क्या आपने मॉक टेस्ट अटेंड किए थे नहीं, उसके बगैर आप कैसे उम्मीद करते हो कि आपका पेपर अच्छा होगा। तो बेटा ठीक है जो भी रहा हो, आप पेपर में जो भी रहा हो उससे आपको आप घबराने या परेशान होने की जरूरत नहीं, आगे के लिए बेटा अपना प्लान कर लो, और यदि आपको लगता है कि पेपर आपके अच्छे गए हैं तो अपनी एक्टिविटी दूसरी तरफ कहीं भी डाइवर्ट करके रखो, कहीं भी जो सीखने की लर्निंग हो, और यदि आपको लगता है कि पेपर थोड़े से ठीक नहीं गए हैं तो आपको रिजल्ट के पहले भी कुछ न कुछ सब्जेक्ट से कुछ न कुछ करते रहना चाहिए ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है बेटा, थैंक यू। आपके और भी डाउट हो तो मुझसे व्हाट्सएप पे आप बात कर सकते हैं। थैंक यू।